हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम अहमदाबाद से महुड़ी जाने वाले हैं, गांधीनगर महुड़ी हाईवे पकड़कर। आप देख सकते हो मेरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। मेरे फ्रेंड ने कितना अच्छा इसका सूट लिया है, और मैं ना कह रहा था पर मुझे भी बोला तू ही बैठ, तेरा मैं शूट करता हूँ। सो आप मुझे भी देख सकते हो। क्लासिक 350 चलाना एक अलग ही है, इसका अलग ही इन्जॉय है। बुलेट रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, मतलब रॉयल एनफील्ड की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बेसिक मॉडल है, मिट्योर है, ये चलाना काफ़ी अच्छा लगता है। इसका अलग ही ड्राइविंग है, और ऊपर से गांधीनगर के हाईवे काफ़ी अच्छे स्मूथ प्लेन इक्वल बनाए गए हैं। सो इस पर ड्राइविंग करना और भी अच्छा रहता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा स्मूथ रोड है, इस पर चलाना ही अलग ही एक एक्सपीरियंस है। और रोडों की तुलना में ये रोड काफ़ी अच्छे हैं एकदम। देखो आप कितना मस्त है। मैं कभी भी बाइक, कोई भी बाइक, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मेरी हीरो प्लेजर है, हेलमेट पहन के ही चलाता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना काफ़ी सेफ है, और ये रूल्स और टर्म्स भी हैं, सो हेलमेट पहन के चलाना चाहिए। मैं अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मैक्सिमम स्पीड 60-70 रखता हूँ, और हेलमेट पहन के रखता हूँ। आपको भी पहनना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है, बेटर है हमारे लिए ही। ये रहा मौड़ी मंदिर। जैसे ही आप एंटर करते हो, सबसे पहले आपको जो यहाँ का मुख्य मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फ़ोटो पड़ना मंदिर के बैक साइड, और जहाँ हम यहाँ का जो फेमस प्रसाद है सुखड़ी, वो खाते हैं जहाँ बैठ के, वहाँ पे फ़ोटो पड़ना है, वीडियो बनाना है अलाउ है। बाकी मंदिर का जो मुख्य द्वार है और उसके आसपास का जो एरिया, वहाँ पे वीडियो बनाना आपको अलाउ नहीं है। महुड़ी का ये मंदिर है, मुख्य रूप से यह जैन संप्रदाय के लिए काफ़ी फेमस है। सो चलो आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। ये जो मंदिर है, महुड़ी जैन मंदिर, गुजरात के गांधीनगर ज़िले के मानसा तालुका में आया हुआ है। अगर आप इसे कहें तो महुड़ी शहर भी बोल सकते हैं। यह जैन और जैन समुदाय के मंदिर के रूप में विख्यात है। इसको आप घंटाकर्ण महावीर जैन मंदिर भी कह सकते हैं। पद्म प्रभु जैन मंदिर का ये तीर्थस्थल है। इसका जो ऐतिहासिक नाम जो है मधुपुरी, ये नाम से ये फेमस था। महुड़ी ये जो जैन मंदिर है, इसकी स्थापना जैन भिक्षु बुद्धिसागर सूरी ने ईस्वी सन 1917 में की थी, 1917 में। इस मंदिर में हर साल काली चौदस के दिन काफ़ी बड़ा धार्मिक प्रोग्राम रखा जाता है, काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पे हवन का आयोजन होता है, और काफ़ी लोग इसमें आके इस मंदिर में ये जो धार्मिक प्रोग्राम है इसमें भाग लेते हैं। महुड़ी जो जैन मंदिर है ये काफ़ी फेमस है, पूरे गुजरात में काफ़ी फेमस है। पूरे गुजरात में से जो जैन समुदाय है वो तो यहाँ पे आते ही हैं, बट इसके अलावा दूसरे जो समुदाय हैं वो भी यहाँ पे इसकी विजिट करने आते हैं। इसका एक अलग ही महत्व है। मैं भी यहाँ पे काफ़ी 3 से 4 बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम वापस मुझे मौका मिला आने का, और मैंने अपने इस हैशटैग रोड ट्रिप चैनल पर इसका वीडियो बना के आपके सामने रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो सामने ही महुड़ी का फेमस प्रसाद सुखड़ी मिलती है, 50 रुपया, 100 रुपया, जैसा आपको लेना है। अब ये प्रसाद की क्वालिटी है, आपको पता ही होगा, बाहर नहीं ले जा सकते ये प्रसाद। आप जितना भी लो यहीं पे खाओ, दूसरे लोग हैं उनको प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करो। प्योर देसी घी की जो सुखड़ी होती है वो बनती है, इसका कलर आप देख ही सकते हो, खाने में उतनी ही टेस्टी और स्वादिष्ट, मज़ा ही आ जाता खा के ये सुखड़ी को। अपने दोस्त के साथ आप यहाँ पर आएँ, सुखड़ी लें, दर्शन करें भगवान का, इनकी अलग ही महत्व है भगवान का। यहाँ पे अभी तो वो बंद है घंटी बजाना, यहाँ पे घंटी बजा के सब अपना जो है मनोकामना पूर्ण करने के लिए मांगते हैं। मैं भी यहाँ पे आया था, मैंने भी घंटी बजाई थी, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। आप समझो बस उसके ही एवज में मैं यहाँ पे आया था विजिट करने के लिए। यहाँ पे वॉश बेसिन है, पानी पीने की फैसिलिटीज़ है, सब कुछ एकदम A1 क्लास का है। आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट प्लेस है गुजरात का। और अहमदाबाद से, गांधीनगर से, महिसाणा से काफ़ी पास में है। सो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसकी विजिट एक बार करनी चाहिए।
मौड़ी में काफ़ी सारा पार्किंग की जो सिस्टम है पूरी चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना बड़ा पार्किंग का एरिया बना दिया है। आप अपने फोर व्हीलर टू व्हीलर से आराम से आ सकते हो अगर आप अहमदाबाद गांधीनगर महिसाणा यहाँ के आसपास के हो, और गुजरात में इवन आप कहीं के भी हो आप फोर व्हीलर अपने ओन व्हीकल से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आ सकते हो। इतना अच्छा पार्किंग की यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एकदम अच्छा सा बना के रखा है यहाँ पे। पार्किंग जो एरिया है वो मंदिर से थोड़ा दूर पे है, बट आप उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो रिक्शा जो है ई रिक्शा आपको वहाँ से आराम यहाँ से आपको आराम से वहाँ तक छोड़ सकती है। जो लोग थोड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए ये रिक्शा की भी फैसिलिटी यहाँ पे है। और बाकी आप पूरा इसका एरिया और देख सकते हो। बस अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। यहाँ पे एक मार्केट है, लोकल मार्केट है, जहाँ से आप कोई भी चीज़ परचेस करना चाहो परचेस कर सकते हो। बस वहाँ पे आप जा रहे हैं, आपको वहाँ का भी थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। ये मौड़ी का मुख्य गेट है, यहाँ से आप एंटर करते हो मौड़ी मंदिर में जाने के लिए। आप यहाँ से आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। यहाँ से हमने एग्ज़िट किया और लोकल मार्केट में आपको जो है वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हो ये मौड़ी के गेट के जस्ट सामने ही ये मार्केट है छोटी सी। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, आप घूम के परचेस कर सकते हो। नाश्ते की दुकानें भी हैं यहाँ पे, आप उसको आपको फास्ट फूड लेना हो तो आप यहाँ भी आराम से ले सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।